अस्सलाम वालेकुम जी। जी आपको आज एक चीज़ दिखा रहे हैं हम, अरबी कंदूरे की ये वाली, इसको तरबूज बोलते हैं, सही है। ये आज कैसे बनता है ये आपको बताएंगे हम, सही है। ये देखें, ये भी लगे हुए हैं और ये भी हैं, ये कैसे बनते हैं आज आपको हम दिखाएंगे। ये देखें जनाब, ये कोने पड़ी हुई हैं, कितनी हैं, 10 कोने हैं, सही है। तो इनका तरबूज बनेगा, सही है। ये धागे भाई ने उठा लिए सारे। ये हम ये शेख जैद मॉडल, जिसको जो है ना इधर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हम वो बना रहे हैं। तो ये 10 कोनों से हम 32 राउंड लेंगे, इससे बनेगा 1.25 इंच मोटा। ये 32 राउंड हो गए। तो अब इसको कैसे बनाना है आज हम आपको ये तरीका बताएंगे। ये UAE में सबसे ज़्यादा यही जो है ना तरबूज इस्तेमाल होता है। इसका ये बनाने का तरीका है, फिर हम आपको ये तरबूज लगा कर भी बताएंगे कि जो इमाराती कंदूरा है उस पर यह तरबूज किस तरह लगता है। जो लोग इमाराती कंदूरा बनाते हैं उनको तो इस बारे में सब मालूम है। तो ये इतना सवाल बनाना है जिसमें से DT आराम से गुजर जाए, यहाँ तक हो गया। अभी इसका हम होल बनाएंगे, वो हम बताएंगे कि होल का क्या मकसद होता है। यहाँ तक हो गया, अभी हम इसके 4 लेग्स बनाएंगे। ये DMC में भी होता है मोटे धागे में, और ये नॉर्मल थ्रेड है। 4 लेग्स को हम इस तरह रखेंगे, इस तरह हाथ रखेंगे, 2 आगे होगा और ये एक दरमियान वाली पुली में होगा और ये आखिर वाली में। तो हम अब इसको बनाना शुरू करते हैं, इस तरह बनाएंगे कुछ। एक ये आ गया, ये दूसरी लेग आ गई, ये तीसरी और ये चौथी, इस तरह डाल के इसको ये सारे बराबर खींच लेने हैं, इस तरह। इसी तरह से यही कंटिन्यू करना है, यही काम है। बहुत इजी है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करने में आपके हाथ में सफाई भी आएगी और आपकी स्पीड भी बनेगी, ठीक हो गया। ये अभी इसका राउंड जो है ना वो 1.25 इंच होगा, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह ये लंबा, जितना कस्टमर की डिमांड उस तरह बनाते हैं। आम रूटीन में ये जो ना लंबा यहाँ से लेकर 3.5-4 इंच होता है। आपने ये जो वीडियो है लास्ट तक देखनी है, तब आपको ये समझ आएगी। 1-2 पॉइंट भी आप स्किप करेंगे तो आपकी इसकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये देखने से ही आपको इसका समझ आएगा। तो आप इधर रहकर UAE में अगर कोई बंदा बेरोज़गार है तो ये काम सीख कर वो अपनी अच्छी इनकम रूम में बैठ के कर सकता है, ओके ना। अभी हम ये सिर्फ शेख जैद मॉडल बना रहे हैं, आगे हम इसमें मॉडल बनाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के मॉडल बनाएंगे। इसके अलावा जो है ना वो बनाएंगे पुराने मॉडल के बटन बनाएंगे, जो ये कंदूरे पे, इमाराती कंदूरे पे फ्रंट पे लगते हैं। फिर उसके अलावा जाली वाले बटन बनाएंगे, वो हम आपको थोड़ा बताते हैं कि वो बटन कौन सा है, जो हम बाद में बताएंगे, बना के आपको दिखाएंगे। तो इसी तरह ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इसका पूरा फ़ायदा हासिल हो सके। तो अभी मैं चाहूँगा अपने दोस्त से के थोड़ी देर के लिए अरबी बटन दिखाए। ये देखें जी, ये लगा हुआ अरबी बटन, ये देखो, ये हमारा तरबूज यहाँ तक रेडी हो चुका है। अभी हम इसको
बंद करेंगे। इसके साथ एक नई लंबी लेग होगी धागे की, उसको निकाल कर हम इसको इस तरह से बांध देंगे। अब ये हमारा तरबूज रेडी हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। इससे अगला नेक्स्ट स्टेप जो है, इसको हम कंघी लगाकर सेट कर लेंगे। इसको कंघी लगाकर बराबर कर लेंगे। और एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने ख़ुद भी YouTube पे बहुत सर्च किया है, मुझे इस किस्म की कोई वीडियो नज़र नहीं आई है, ना ही मिली है। तो आप जितना हो सके इसको देखें और शेयर करें ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अभी हम इसका नीचे बटन बना के फिनिश हो जाएगा। ये बटन बनाने का मकसद ये होता है कि धागे जो है ना वो ख़राब ना हो। कुछ इस तरह से हम बटन बनाएंगे। ये जितना इजी जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। ये आप रूम में बैठ के भी बना सकते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो ये आप काम सीख के बाहर दुकान से ऑर्डर पकड़ के रूम में बना सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरह से है। यहाँ तक हो गया। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये आया ठीक है कि नहीं। अगर ख़राब हो तो इससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि इसके धागे इसके अंदर आ जाते हैं। अब ये हमारा बिल्कुल फिट है। अभी इसको नीचे से सिर्फ बराबर करना है और कंदूरे पे पुट कर देना है। यहाँ से सीज़र के साथ इसको बराबर कर देना है। अभी हम कंदूरे पे लगा के आपको दिखाते हैं। ये देखें कंदूरे पे लगने लगा ये। ये देखें ये बिल्कुल फिट हो गया कंदूरे पे। ये अरबी स्टाइल है, ये सही है, इसका तरबूज है। नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई चीज़ की समझ ना आए ना आपको तो मैसेज में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। बस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। इसके बारे में आप कुछ मालूम चाहते हो तो हमें कमेंट्स करें, हम आपको इसका कमेंट्स में रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।